हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं प्रवीण कुमार यादव, जैसा कि आप सभी लोग को मैं दो वीडियो बना चुका हूँ, यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित दो वीडियो मैं बना चुका हूँ। पहला वीडियो मेरा था उत्तर प्रदेश पुलिस के सिलेबस क्या है उससे संबंधित, मैंने पहला वीडियो बनाए थे। और दूसर का वीडियो मेरा वर्णमाला, वर्णमाला में मैं उस दिन स्वर बताए थे, कल क्या बताए थे आप लोग को, स्वर बताए थे, स्वर के बारे में बताए थे। स्वर के बारे में आप लोग यदि मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने पहले बताए थे वर्णमाला किसे कहते हैं, फिर वर्ण के प्रकार बताए थे, फिर स्वर और व्यंजन, स्वर का परिभाषा और व्यंजन का परिभाषा बताए थे, फिर ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। इतना चीज मैंने उस दिन बताए थे। उसमें यदि आपको कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट करिए, मैं उसका सलूशन आपको तुरंत उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, कमेंट करिए कि सर ये चीज़ फिर से हमको समझा दीजिए। तो मैं जब अगले दिन वीडियो बनाऊंगा तो उसको समझा के तभी आगे बढ़ूंगा, ठीक। तो आज मैं आप लोग को स्वर में एक टॉपिक छूटा था, क्या, स्वरों के प्रकार, ठीक। स्वरों के प्रकार में बताया था, जैसे कि जीभा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, और ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यही चीज छूटा था, ठीक, उसको मैं बता रहे हैं। स्वर के प्रकार दोस्त, स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ठीक, तीन प्रकार से बोले जाते हैं। एक जीभ के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण होता है, और एक मुंह के आधार पे, एक ओष्ठ के आधार पे स्वरों के प्रकार, ठीक है। जीभ देखिए, ये तीन प्रकार के होते हैं, इसको मैं बता रहा हूँ, आप लोग को व्यवहारिक उदाहरण देते हुए बताएंगे, ठीक है। ऐसा बताएंगे कि आप लोग यदि इसे ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और पढ़ने का कोशिश करेंगे तो पक्का मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, और ऐसा समझ में आएगा कि आप जिंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए, स्वर के प्रकार, जीभा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीवा के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपको एक शब्द याद करना पड़ेगा, अग्रीय। अग्रीय क्या याद करना पड़ेगा, अग्रीय। जीवा के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण, देखिए जीव के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण तीन प्रकार के होते हैं। जीव के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अ से क्या हो गया, एक अग्र स्वर, फिर दोबारा मध्य स्वर, स्वर का क्या हो गया, मध्य स्वर, स्वर का पश्च स्वर, ठीक। जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्री शब्द मैंने कहा याद करने के लिए, क्या कहा है, अग्री, ठीक, इसको याद कर लीजिए। याद करने की बात क्या है, देख लेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। अग्री,
अ से क्या हो गया अग्रस्वर, अग्रस्वर। अपन देखो ग्री, ग्री में देखिए बड़ी की मात्रा है ना, इसका मैं दोनों रूप ले लेंगे, ठीक। इसका क्या ले लेंगे, दोनों रूप ले लेंगे, जैसे कि ई छोटा ई और एक बड़ा ई, और ए से क्या हो गया, ए ए का भी दोनों रूप ले लेंगे, ए ए और आई, ठीक। इसका अग्रि, अग्रि सबसे ए तो ए समझ आ गया ना, छोटा ई बड़ा ई ए आई, ठीक। अब मध्य स्वर, मध्य स्वर में सिर्फ अ रहेगा, अ मध्य स्वर में क्या रहेगा, अ। और जो बचा, जितने स्वर बचे, बोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण मैंने बताया था, दष्ट होता है। बोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, दष्ट होते हैं, और लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब जो स्वर बच रहा है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। देखिए क्या बच रहा है, आ आ, फिर उ बड़ा उ, ओ और औ, ठीक। देखिए समझ में, दो स्वर पांच बचे, आ बड़ा छोटा उ बड़ा उ ओ औ, ये पांच और ये छह, इन छह चार दस। मैंने कहा ना कि बोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, दस होते हैं, और लिखने के आधार पर दोस्त स्वर कितने होते हैं, ग्यारह होते हैं, जिसे आप सभी लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक। अग्रि शब्द मैंने कहा याद करने के लिए, याद किए होंगे यदि आप अग्रि शब्द। देखिए ये व्यवहारिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे, पढ़ने के उद्देश्य से यदि आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ सर सही बताया है, कि देखिए कितना व्यवहारिक तरह से अग्रि शब्द याद कर लिए। अग्रि शब्द में देखिए इसका दोनों रूप ले लिए, इसका दोनों रूप ले लिए, ठीक। इसका दोनों रूप ले लिए, इसका दोनों रूप ले लिए, ये चीज हो गया, ठीक। अब बीच में क्या मध्य स्वर अ कर दीजिए, और जो बचा स्वर उसे हम किस में डाल देंगे, फर्स्ट स्वर में कर देंगे, ठीक। जीभा के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण क्या हो गया, हो गया, ठीक। आशा है कि समझ में आया होगा, जहां ना समझ में आया उसे आप लोग पूछिएगा, मैं बताऊंगा, कमेंट आप करिएगा, जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा, कमेंट में आपको बताऊँगा, ठीक। अब देखिए जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया, अब देखिए मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक। मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं दोस्त, चार प्रकार के होते हैं। मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आपका समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, स्वर का आपका क्या होगा, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, स्वर का क्या हो गया आपका, विवृत स्वर, विवृत स्वर। चौथा क्या हो गया आपका, अर्ध विवृत स्वर,
पहला आपका समवृत्त स्वर, दूसरा का अर्ध समवृत्त स्वर। क्या हो गया? पहला आपका समवृत्त स्वर, ठीक, समवृत्त स्वर। दूसरा का क्या हो गया? आपका अर्ध समवृत्त स्वर। तीसरा का विवृत्त स्वर। चौथा क्या हो गया? अर्ध विवृत्त, ठीक, समवृत्त स्वर, अर्ध समवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर, ठीक। अब इसको याद करने के लिए आप सुई शब्द याद कर लीजिए। सुई, सुई, सुई शब्द याद करेंगे तो आप इसको जान सकते हैं, ठीक। समवृत्त स्वर सुई, सुई में देखिए, देखिए इसका दोनों रूप ले लेंगे, एक इसका दोनों रूप ले लेंगे और इसका दोनों रूप ले लेंगे, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा? सुई में पता चल जाएगा, छोट देखिए, छोटा ई, फिर बड़ा ई, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, ठीक। सुई शब्द से देखिए ये दोनों मात्रा आप ले लेंगे, ठीक। तो सुई मतलब सुई, जैसे कि आप सुई कहीं पे भी, मतलब कि डॉक्टर साहब जब सुई लगाते हैं तो क्या लगता है हमको? डर लगता है, करी सुई लगा रहे हैं तो कहीं, तब मतलब कि क्या कहते हैं कि नहीं नहीं सुई मुझे नहीं लगवाना है, सुई नहीं लगा। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? ओए आधा सुई है, आधा मतलब कि आधा ही लगेगा। तो फिर कहेंगे, कहेंगे नहीं ओए आधा भी मत लगाना, तो ठीक। क्या हो गया इसके? क्या ओए, सुई से क्या आयत कह लो? ओए, ठीक। डॉक्टर साहब कहेंगे कि सुई लगा लो आधा ही लगेगा, तो आप क्या कहेंगे? ओए आधा भी मत लगाना, ठीक। तो ओ य, ओ क्या हो गया? ओ य, तो ये चीज देखिए आप सुई सबसे इतना चीज याद कर लीजिए, ठीक। और फिर बचा क्या? अर्ध विवृत्त स्वर। विवृत्त स्वर में क्या हो गया? आ। विवृत्त स्वर में क्या हो गया? आ। और फिर जितने स्वर बचे, मैंने बताया था कि बोलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10 होते हैं। यहाँ पे मैंने कितने लिखे? 4 2 6 1 7, 7 स्वर लिख दिए हैं। अब जो स्वर बचा उसमें किस, उसको किस में हम कर देंगे? अर्ध विवृत्त स्वर में कर देंगे। कौन हो जाएगा? अ, तीन, अ, उसके बाद क्या बचा है? बड़ा ए, और फिर बड़ा ओ, तीन, तीन अधर, तीन अर्ध विवृत्त स्वर में हो जाएगा, और एक विवृत्त स्वर में, एक दो अर्ध विवृत्त स्वर में, और 4 संवृत्त स्वर में हो जाएंगे, ठीक ना। स्वरों का वर्गीकरण ये मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया है। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बताया कि सुई, सुई शब्द से याद कर लेंगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए एक और स्वर बच रहा है, उसको भी यहाँ पे क्लियर कर दे रहा है। देखिए और बच रहा है वो क्या है? पोस्ट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पोस्ट के आधार पर का वर्गीकरण, ओष्ट के आधार पे, एक पहला मैंने बताया जीव के आधार पे, सरका क्या था? मुंह के आधार पे। तीसरा क्या है? ओष्ट के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक। इसको देखते हैं, ओष्ट के आधार पे स्वरों के वर्गीकरण को, ओष्ट के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। देखिए दोस्त, ओष्ट के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक वृत्तमुखी स्वर होता है, वृत्तमुखी स्वर, स्वर का क्या होता है? आवृत्तमुखी स्वर। वृत्त की ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, वृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर। अब देखिए वृत्तमुखी स्वर, इसको याद क्या करेंगे? वृत्त स्वर बोलिए, कोई स्वर बोलिए,
जिस स्वर को बोलने में मुंह क्या गोल जैसा बने, ठीक है। यदि मुंह क्या गोल जैसा बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तमुखी स्वर कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए बोलिए ऊ ऊ, देखिए ऊ ऊ ओ ओ, ठीक है ना। देखिए ऊ ऊ ओ ओ, ये बोलेंगे देखिए आपका मुंह क्या गोल जैसा बन रहा है, देखिए गोल जैसा मुंह बनेगा। ऊ ऊ बोल के देखिए, ऊ देखिए मुंह क्या है गोल जैसा बन रहा है, ऊ फिर बड़ा ऊ ऊ ऊ, फिर ओ देखिए क्या गोल जैसा मुंह बन रहा है, नहीं ओ, फिर का दोनों रूप ले लेंगे ओ ओ, ठीक। अब जो स्वर बचा उसे हम किस में शामिल कर देंगे, आवृतमुखी स्वर में। आवृतमुखी स्वर में इसको बोलेंगे तो क्या आपका मुंह आधा खुलेगा, आवृत अ अ आ ठीक, ई बड़ी ई, देखिए बोलने पे मुंह आपका गोल जैसा नहीं बनेगा, ए ऐ ठीक। तो जिस स्वर को बोलने में मुंह हमारा गोल जैसा बने उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तमुखी स्वर कहेंगे, और जिस स्वर को बोलने पे वृत्त जैसा नहीं बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आवृतमुखी स्वर कहेंगे। जैसे अ बोलिए आपका वृत्त जैसा नहीं बनेगा, ठीक, अ आ ई ई ठीक, इसमें मतलब कि वृत्त जैसा मतलब कि नहीं बन रहा है ना, हो गया ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया, ठीक। दोस्त आज मैंने आप सभी लोग को स्वरों के प्रकार बताए, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुंह के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तथा ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बताए हैं। ये बहुत ही कठिन टॉपिक था जिसे मैं सरल से सरल शब्दों में बताने की कोशिश किए हैं। इसे आप सभी लोग देखिए, देखेंगे तो आप सभी लोग को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। जो तो व्यवहारिक मैंने उदाहरण दिया है, तो यदि आप लोग ध्यान से देख के जाएंगे और उसको ट्रिक के साथ जो मैंने बताया है उसको देखेंगे तो आपको एग्जाम में क्या है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक। धन्यवाद।